नया IBN 7 हौसला है। एक चिट्ठी जो केजरीवाल के होश उड़ा सकती है, एक आरोप जो दिल्ली सरकार को फंसा सकता है, एक अवसर जो अरविंद की मुसीबत बन सकती है। जिस अधिकारी के खिलाफ केजरीवाल ने लंबी लड़ाई लड़ी, जिसकी वजह से लंबी सियासत हुई, जिसके खिलाफ केजरीवाल ने केंद्र से दुश्मनी मोल ली, अब वही अधिकारी एक बड़े आरोप के साथ सामने आई है। एक चिट्ठी जो केजरीवाल की सरकार पर भारी पड़ सकती है। ये कहानी है उस चिट्ठी की जिसने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की नींद उड़ा दी है। इस चिट्ठी में कुछ ऐसे आरोप लगे हैं, कुछ ऐसी बातें कही गई हैं जिनका जवाब देना केजरीवाल के लिए आसान नहीं होगा। चिट्ठी में लगे आरोपों के निशाने पर हैं दिल्ली सरकार में मंत्री सत्येंद्र जैन, और ये चिट्ठी लिखी है IAS ऑफिसर शकुंतला गैमलिन ने, वही IAS ऑफिसर जिनके खिलाफ अरविंद केजरीवाल ने लंबी लड़ाई लड़ी है। मगर अब शकुंतला गैमलिन के बड़े आरोप को केजरीवाल सरकार पर पलटवार के रूप में देखा जा रहा है। फिर मुश्किल में केजरीवाल, दिल्ली सरकार पर गैमलिन का हल्ला बोल। अभी ज्यादा दिन नहीं बीते जब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने महिला नौकरशाह शकुंतला गैमलिन पर हमला बोला था। सरकार में एक बिजली विभाग है जी, उस बिजली विभाग के अंदर एक सेक्रेटरी है। जब हमारी सरकार बनी तो हमारे बिजली मंत्री के पास वो सेक्रेटरी आई, आके कहती है कि इस कागज पे साइन कर दो मंत्री जी। मंत्री जी ने पूछा क्या कागज है ये? उन्होंने कहा दिल्ली की बिजली कंपनियां बैंक से 11,000 करोड़ रुपए का लोन ले रही हैं, उसके लिए ये कंफर्ट लेटर है। जो लड़ाई अरविंद केजरीवाल ने शुरू की थी उसी लड़ाई को आगे बढ़ाया है खुद दिल्ली की प्रिंसिपल सेक्रेटरी शकुंतला गैमलिन ने, जिन्होंने अरविंद केजरीवाल की सरकार में उद्योग मंत्री सत्येंद्र जैन पर बड़ा और गंभीर आरोप लगाया है। शकुंतला गैमलिन फिलहाल दिल्ली के उद्योग मंत्रालय में प्रधान सचिव के पद पर हैं, लेकिन कुछ वक्त पहले गैमलिन ने दिल्ली के उद्योग मंत्री सत्येंद्र जैन पर एक जमीन के सिलसिले में दबाव बनाने का आरोप लगाया है। उपराज्यपाल को लिखी चिट्ठी में शकुंतला गैमलिन ने कहा है, सत्येंद्र जैन लगातार मुझ पर एक कैबिनेट नोट लाने का दबाव बना रहे थे। वो चाहते थे कि दिल्ली की एक औद्योगिक जमीन को लीज होल्ड से फ्री होल्ड कर दिया जाए। इस आरोप के अलावा शकुंतला गैमलिन ने अपनी चिट्ठी में कई और बातें कही हैं। उन्होंने लिखा है कि भूमि का विषय दिल्ली सरकार के अधीन नहीं है, लिहाजा इस मामले में कैबिनेट नोट लाना सही नहीं है। इस मामले में कोई भी फैसला या तो DDA ले सकती है या फिर उपराज्यपाल नजीब जंग। गैमलिन ने अपनी चिट्ठी में ये सुझाव भी दिया है कि पिछले साल जितने प्लॉट लीज होल्ड से फ्री होल्ड किए गए हैं उनकी विजिलेंस जांच की जानी चाहिए। आरोप बड़ा है इसीलिए सियासत भी बड़ी है और BJP इस मौके को छोड़ना नहीं चाहती। इससे कोई हैरानी नहीं होनी चाहिए, कथनी और करनी में बहुत अंतर है। तो एक तरफ बड़ी बड़ी बातें होती हैं, दूसरी तरफ इस प्रकार के जो आते हैं उदाहरण, उससे स्पष्ट होता है कि आम आदमी पार्टी का एजेंडा अपने लिए है, जनता से कुछ लेना देना नहीं। इस आरोप के बाद कांग्रेस भी केजरीवाल सरकार के नियत पर सवाल उठा रही है। The concept of conversion of leasehold into freehold, what we are saying is Delhi government should know its limits and boundaries. Delhi government should try and do things which are directly under them. और इस आरोप के जवाब में सत्येंद्र जैन कुछ वैसा ही जवाब दे रहे हैं जिसकी की उम्मीद थी। जो चिट्ठी आप कह रहे हैं वो चिट्ठी मुझे लिखनी चाहिए, अगर लिखनी थी तो LG साहब को किस लिए लिखी, और लिखी भी है तो उसको मीडिया को किस लिए लीक करी, लीक करने का कोई लॉजिक नहीं बनता है। सवाल सिर्फ सियासत का नहीं है, शकुंतला गैमलिन ने केजरीवाल सरकार पर जो आरोप लगाए हैं वो वाकई बड़े हैं। दिल्ली में कुल 18 औद्योगिक इलाके हैं, इन इलाकों में हजारों औद्योगिक प्लांट हैं और ये सभी लीज पर हैं। अगर इन इलाकों को लीज होल्ड से फ्री होल्ड कर दिया जाता है
तो इनकी जमीनों को बेचना बेहद आसान हो जाएगा, जिससे करोड़ों के वारे न्यारे भी हो सकते हैं। अगर शकुंतला गैमलिन का ये दावा सच है तो सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर सत्येंद्र जैन इतनी जल्दबाजी में क्यों हैं? आखिर दिल्ली सरकार किसे फायदा पहुंचाना चाहती है? पहले दिल्ली सरकार ने प्रधान सचिव शकुंतला गैमलिन पर बिजली कंपनियों से साठगांठ का आरोप लगाया था और अब जोरदार तरीके से शकुंतला गैमलिन ने दिल्ली सरकार पर पलटवार किया है। बहरहाल दिल्ली सरकार के अंदर चल रही इस लड़ाई से न सिर्फ दिल्ली सरकार की छवि बिगड़ रही है बल्कि दिल्ली के विकास पर भी असर पड़ सकता है। कैमरामैन करम सिंह के साथ रवि सिंह, दिल्ली, IBN 7। इधर अरविंद केजरीवाल अपनी ही सियासत में उलझे हैं तो उधर दिल्ली की जनता रोज केजरीवाल से मदद की गुहार लगा रही है। दिल्ली में न गर्मी कम होने का नाम ले रही है और न ही पानी का संकट। कहा यह जा रहा है कि दिल्ली के करीब 50 लाख से ज्यादा लोग पानी के संकट से जूझ रहे हैं। कई इलाकों में तो आलम यह है कि लोग दो घूंट पानी के लिए तरस रहे हैं। ये वही जनता है जिससे मुफ्त पानी का वादा किया गया था, लेकिन ये लोग अब पैसे देकर पानी खरीदने पर मजबूर हैं। एक बाल्टी पानी की कीमत आप क्या जानो? करीब दो महीने से दिल्ली के कई इलाकों में दिन ऐसे ही शुरू होता है और हर शाम ऐसी तकरार पर खत्म होती है। अभी चोट आई है मेरे अखिलेश त्रिपाठी जी। न सूरज रहम कर रहा है, न सरकार सुनवाई कर रही है। ऐसे में पानी को तलाशती दिल्ली की ये जनता जाए तो जाए कहाँ? हमारे यहाँ लगभग दो महीने से पानी नहीं, दो महीने से हमारे यहाँ पानी नहीं आ रहा। दिल्ली में पानी के भीषण संकट पर IBN 7 की पड़ताल लगातार जारी है। IBN 7 की टीम इस पड़ताल के लिए आज दिल्ली के बादली इलाके में पहुंची। किस्मत से हमारे पहुंचते ही इलाके में पानी का टैंकर भी पहुंचा और पानी भरने की जद्दोजहद शुरू हो गई। लोगों ने यह भी बताया कि टैंकर भी उन्हें दो महीने बाद नसीब हुआ है और इन दो महीनों में उनकी जिंदगी किसी नर्क से कम नहीं। यहाँ पे हर घर को मोल पानी लेना पड़ता है क्योंकि एक हफ्ते में पानी चलता नहीं घर पीने के लिए। प्राइवेट बोतलें लेते हैं पानी भरने के लिए, उससे गुजारा करते हैं। पानी की तलाश में हमारा अगला पड़ाव था दिल्ली का बुराड़ी इलाका। चुनाव से पहले इस इलाके में पानी को लेकर कई वादे हुए थे, लेकिन आज भी इलाके का पुराना संकट कायम। यमुना 2 किलोमीटर की दूरी पर बहती है, लेकिन इलाके के लोगों का गला आज भी सूखा है। पहले से ही बुरा हाल हो चुका हमारा, पहले कुछ हमारी सुनवाई हो जाती थी, लेकिन अब तो किसी भी कैटेगरी में नहीं रहे हम। वो कह रहे थे मीठा पानी देंगे, आज तक तो मीठा पानी आया नहीं है और वो है नाले का पानी पी रहे हैं, बांस आओ बदबू आए। पानी खरीद के पीना पड़ता है वो बिल, और जो बिल आ रहा है वो आ ही रहा है, वो कोई कम नहीं हुआ है। गंदा पानी जो टंकी में जो आ रहा है वो पीते हैं, उससे लोग बीमार होते हैं। पानी के लिए तरसते इन लोगों की सारी उम्मीदें सरकार से हैं और सरकार वादे निभाने का भरोसा तो दूर, मजबूरियां गिनाने में जुटी है। रवि सिंह, दिल्ली, IBN 7। इंडिया 9 बजे में अब बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम की, जिसका आज सबसे बड़ा मुद्दा था वन रैंक वन पेंशन। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि वो वन रैंक वन पेंशन को हर हाल में लागू करेंगे। ये वो चेहरे हैं जिन्होंने देश की हिफाजत के लिए कभी अपनी जिंदगी दांव पर लगा दी। ये वो फौजी हैं जो हमारी हिफाजत के लिए अपना लहू बहाने से नहीं चूके। ये वो पूर्व सैनिक हैं जिनकी जाबाजी के लिए देश ने इन्हें बेशुमार सम्मान से नवाजा, लेकिन एक मांग के लिए इनमें से कई देश से मिला सम्मान सरकार को लौटाने तक को तैयार हो गए हैं। बरसों से लंबित ये मांग है वन रैंक वन पेंशन।
बीते 40 साल में हर सरकार ने पूर्व सैनिकों को उनकी इस मांग को मान लेने का दावा किया, लेकिन चुनाव खत्म होते ही वादे भी उड़नछू हो गए। अब मोदी सरकार ने इसी कार्यकाल में इस पर अमल करने का फैसला दोहराया है। मैंने निवृत्त सेना के जवानों के बीच में वादा किया है कि मेरी सरकार वन रैंक वन पेंशन लागू करेगी। हम जिम्मेवारी से हटते नहीं हैं और सरकार बनने के बाद भिन्न भिन्न विभाग इस पर काम भी कर रहे हैं। मैं जितना मानता था उतना सरल विषय नहीं है, पेचीदा है और 40 साल से उसमें समस्याओं को जोड़ा गया है। रेडियो पर आठवीं बार पीएम मोदी जब देश से मुखातिब हुए तो उन्होंने वन रैंक वन पेंशन को लेकर अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। हालांकि उन्होंने दावा किया है कि 40 साल से वन रैंक वन पेंशन को उलझाया गया, इस पर वादा करने वाली तमाम सरकारों ने कुछ नहीं किया। इसे आसान बनाने की बजाय इसे पेचीदा बनाया गया। मौजूदा सरकार इसका हल निकालने की कोशिश कर रही है, लेकिन ये सरकार इस वादे को हर हाल में पूरा करेगी। मैं फिर एक बार मेरे देश के सभी सेना के जवानों को आग्रह करूंगा कि राजनीतिक रोटी सेकने वाले लोग 40 साल तक आपके साथ खेल खेलते रहे हैं, मुझे वो मार्ग मंजूर नहीं है और न ही मैं ऐसी कोई कदम उठाना चाहता हूं जो समस्याओं को जटिल बना दे। आप मुझ पे भरोसा रखिए, बाकी जिनको बातें उछालनी होगी, विवाद करने होंगे, अपनी राजनीति करनी होगी, उनको मुबारक। मुझे देश के लिए जीने मरने वालों के लिए जो कर सकता हूं करना, यही मेरे इरादे हैं और मुझे विश्वास है कि मेरे मन की बात, जिसमें सिवाय सच्चाई कुछ नहीं है, वो आपके दिलों तक पहुंचेगी। पीएम मोदी के मुताबिक जटिल बना दिए गए मामले को सुलझाने में वक्त लगेगा, इस बात से कई पूर्व सैनिक इत्तेफाक रखते हैं। सब कुछ कर देखना पड़ेगा ना, ये नहीं हमारे प्रधानमंत्री एक दफा कह दें और मुझे पक्का यकीन है कि पहली दफा अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, फिर ये आए हैं और ये करके देंगे, भरोसा रखो। एक ही पद से सेवानिवृत्त होने वालों के लिए वन रैंक वन पेंशन उनके सम्मान से जुड़ा मामला भी है। आखिर क्यों एक ही काम करने वालों को अलग अलग पेंशन का अधिकार माना जाए? जान देकर देश की हिफाजत के लिए तत्पर रहने वालों की मांगे आखिर बरसों से अनसुनी क्यों रही? ये तमाम सवाल अपनी जगह जायज हो सकते हैं, लेकिन इस दिशा में अगर अब सार्थक पहल हो रही है तो धैर्य से सरकार के अगले कदम का इंतजार करना भी लाजमी है। आखिर इतने बड़े प्रशासनिक और आर्थिक ढांचे को तैयार करने के लिए कुछ वक्त तो दिया ही जाना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। तो प्रधानमंत्री का कहना है कि 40 साल से जिस वन रैंक वन पेंशन को लागू नहीं किया जा सकता, हम अपनी सरकार के कार्यकाल में ही इसे लागू करके रहेंगे। अब इस पर क्या प्रतिक्रिया आ रही है सियासी दलों की, वो भी आप देखिए। अब प्रधानमंत्री जी ये कहते हैं कि उनको पता नहीं था कि ये समस्या कितनी जटिल है और इनकी जटिलताओं को वो समझ रहे हैं और इसको इंप्लीमेंट करने में टाइम लगेगा। तो प्रधानमंत्री जी, जब आप इन सब बातों को पहले मांग कर रहे थे तो क्या उस वक्त आपको इनकी जटिलताओं के बारे में कोई आभास नहीं था? भारतीय जनता पार्टी NDA की सरकार, प्रधानमंत्री मोदी जी, उनका पूरा कैबिनेट और प्रधानमंत्री मोदी जी व्यक्तिगत रूप से प्रतिबद्ध है कि वन रैंक वन पेंशन इस सरकार के कार्यकाल के अंदर ही स्पष्ट होगा, पूर्ण होगा और 40 साल से जो इस पर काम नहीं हुआ वो खत्म होगा यहाँ और ये एक रियलिटी होगी। प्रधानमंत्री जी मन की बात करते हैं, छल की बात करते हैं। किसान उनसे नाराज हैं, वो कह रहे हैं किसानों के साथ वो हैं। सिपाही और जवान उनसे नाराज हैं, वो कह रहे हैं सिपाही और जवान उनके साथ हैं। मोदी जी अपने मन की बात तो लगातार कह रहे हैं, लेकिन किसानों के मन की बात और सैनिकों के मन की बात भी अगर वो जाने तो ज्यादा अच्छा हो। ये भी दिलचस्प है कि मन की बात पर अब विपक्षी दल खुलकर हमले करने लगे हैं। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। अब खबर छात्रों के साथ हुए धोखे की। कोई छात्र लाखों रुपए की फीस देकर परदेश के कॉलेज में पढ़ाई करने गया हो, एक साल बीत जाने के बाद उसे ये पता चले कि उस कॉलेज की मान्यता ही रद्द हो गई है, तो क्या हो? उसे पढ़ाई के लिए कॉलेज से कोई डिग्री नहीं मिलेगी, वो छात्र करे क्या? मॉरिशस में मेडिकल की पढ़ाई करने गए 36 भारतीय छात्रों के साथ कुछ ऐसा ही हुआ है। परिवार परेशान है और छात्रों के भविष्य पर खतरा मंडरा रहा है। 2013 की बात है जब इन छात्रों ने आसमान छूने का सपना देखा था और उस सपने को हासिल करने ये छात्र मॉरिशस गए थे।
डीवाई पाटिल मेडिकल कॉलेज में दाखिला भी ले लिया था, इस उम्मीद में कि 4 साल बाद डॉक्टर बनकर वतन लौटेंगे। लेकिन वो सपना अचानक ही धुंधला हो गया, क्योंकि 1 साल बाद इन छात्रों को खबर मिली कि उनके कॉलेज की मान्यता रद्द कर दी गई है। हमारे सामने डॉक्यूमेंट्स रखे जाएं जिसके तहत हमको सेटिस्फेक्शन मिले, बट मैनेजमेंट की ओर से भी ऐसा कोई जवाब हमको नहीं मिल पाया है, जिसके चलते हम सब स्टूडेंट्स यहाँ पे बहुत स्ट्रेस्ड अप हैं, जिस पे हमारी एक खास फ्रेंड जो बहुत स्ट्रेस थी उसने परसों रात को सुसाइड अटेम्प्ट किया। मॉरिशस के डीवाई पाटिल मेडिकल कॉलेज में गुजरात के 8 छात्रों समेत भारत के 36 बच्चों ने दाखिला लिया था। छात्रों का आरोप है कि मॉरिशस की मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने इस कॉलेज को मान्यता नहीं दी। कहा जा रहा है कि ये कॉलेज WHO में भी लिस्टेड नहीं है। छात्रों के मुताबिक कॉलेज की तरफ से उन्हें MBBS की डिग्री भी नहीं दी जाएगी। हम इधर लोकल मिनिस्ट्री के पास गए लेकिन उन्होंने भी हमें कुछ जवाब नहीं दिया, और इंडिया में हमारी कॉलेज का मैनेजमेंट है वो भी हमें कुछ रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है। दोनों तरफ से हमें कोई आंसर नहीं मिला, और उसके रहते हुए सभी बच्चे डिप्रेशन में चले गए कि 4 साल बाद अगर डिग्री रिकॉग्नाइज नहीं हुई तो क्या होगा। परिवार का आरोप है कि दाखिले के वक्त कॉलेज ने उनसे 30 लाख रुपए की रकम वसूली थी, लेकिन फीस लेते वक्त तो कॉलेज प्रशासन बेहद जल्दी में था, इस वक्त जवाब देने से बच रहा है। IBN7 से बातचीत के दौरान एक अभिभावक अपना दर्द बताते बताते भावुक हो गए। हम लोग चिंतित थे, और हम लोग जब डीवाई पाटिल के जो सन है, पद्मश्री डीवाई पाटिल का सन है संजय पाटिल के सामने बहुत सारे पेरेंट्स रोए भी थे। इस घटना के बाद सभी भारतीय छात्र बेहद परेशान हैं। आलम यह है कि इस घबराहट में हैदराबाद की रहने वाली नामिन नाम की एक छात्रा ने खुदकुशी की कोशिश भी की थी, हालांकि दूसरे छात्रों ने वक्त रहते उसकी जान बचा ली। हॉस्टल में नामिन के कमरे में एक सुसाइड नोट भी मिला था जिसमें आत्महत्या के लिए कॉलेज प्रशासन को जिम्मेदार बताया गया। ये छात्र मॉरिशस सरकार के कई दरवाजे खटखटा चुके हैं लेकिन अब तक कोई जवाब नहीं मिला। ये बच्चे अब मॉरिशस में भारतीय दूतावास की नहीं बल्कि देश की सरकार से भी मदद मांग रहे हैं ताकि उनके भविष्य पर मंडराता खतरा टल जाए। ऋषि दबे, राजकोट, IBN7। महाडा ने एक बार फिर मुंबई में रहने वाले उन लोगों के सपनों को साकार किया जिनके पास अपना घर नहीं है, लेकिन मामला कुल मिलाकर एक अनार 100 बीमार जैसा था। 1000 से ज्यादा लोगों को अपना घर तो मिला लेकिन आवेदन करने वाले लाखों में थे। पूरा हुआ माया नगरी में रहने का सपना, 1063 लोगों को मिला अपना आशियाना। माया नगरी मुंबई में अपना घर होना किसी सपने से कम नहीं होता। लोगों के इसी सपने को साकार करने के लिए महाडा सस्ते घर तैयार करती है जिसे लॉटरी के जरिए बांटा जाता है। इस बार भी कई लोग खुशनसीब रहे क्योंकि उन्हें मिल गया उनके सपनों का घर, लेकिन हजारों लोग ऐसे भी हैं जिन्हें निराशा हाथ लगी। कई लोग तो ऐसे भी हैं जिन्हें उम्मीद ही नहीं थी कि मुंबई में रहने का उनका सपना कभी पूरा भी हो पाएगा। लॉटरी में अपना नाम निकलते ही उनकी खुशी का ठिकाना नहीं है। उम्मीद नहीं थी क्योंकि पिछले 4 साल से भर रहे थे हम, तब तो उम्मीद नहीं थी, इसलिए इस बार नहीं भरने वाला था। बट पेरेंट्स ने कहा हम पिछले 10-20 सालों से भर रहे तो तुम 5वें साल में क्यों नाराज हो रहे हो। 2005 से मेरे आदमी के नाम के ऊपर हम लोग लगा रहे लेकिन बहुत बार, लेकिन हम लोग नाराज नहीं हुए। लगेगा कभी, ऐसा लग रहा था कि कभी लगेगा, तो सच में आज हम लोग का सपना पूरा हो गया। लॉटरी में जिनके नाम आए वो खुशी से फूले नहीं समा रहे हैं, लेकिन जिनका सपना टूट गया वो थोड़े निराश जरूर हैं, पर उन्होंने हिम्मत नहीं हारी है। 4 बार भरा है मैंने उसको, तो नहीं लगा अभी भी। तो उम्मीद किया जाए आगे आने वाले दिनों में भरेंगे। हाँ भरेंगे, ट्राई करते रहूँगा। तभी से लॉटरी चालू है तभी से मैं भर रहा हूँ। नतीजा कुछ नहीं मिलता, नहीं कोई, हर एक साल भरता ही रहेगा, नहीं लगेगा तो भी भरने वाला और भरता ही रहेगा। इस साल महाडा ने मुंबई समेत कोंकण में भी घर बनाए थे। इतना ही नहीं, दलालों को रोकने के लिए पूरा सिस्टम ऑनलाइन कर दिया गया जिससे लोगों में काफी खुशी है। 2015 के महाडा की लॉटरी में कई लोगों को अपना मुंबई में सपनों का घर मिला, तो कई लोग ऐसे भी हैं जिनके हाथ निराशा लगी। जिन लोगों के घर नहीं लगा है वो उम्मीद जता रहे हैं कि आने वाले सालों में भी वो महाडा में एप्लीकेशन भरते रहेंगे, और उम्मीद जता रहे हैं कि शायद इस साल तो नहीं लेकिन अगली बार उनका घर महाडा लॉटरी में जरूर लगे। मुंबई से कैमरामैन दिग्विजय के साथ विवेक गुप्ता, IBN7।
इंडिया 9 बजे में आइए अब बात करते हैं केंद्रीय ऊर्जा मंत्री पीयूष गोयल की। उन्होंने भरोसा दिलाया है कि 2019 तक, और ये साल याद रखिएगा, 2019 तक देश के हर घर तक बिजली पहुंच जाएगी। ईटीवी न्यूज के हेड जगदीश चंद्रा ने ऊर्जा मंत्री पीयूष गोयल के साथ खास बातचीत की। इस क्षेत्र के कुछ और ऐसे चैलेंजेस हैं जिस पे मुझे इस वर्ष में फोकस करना है। एक तो अगर तीनों विभाग का एक एक मुद्दा अगर मैं देखूं, तो पावर में ट्रांसमिशन का जाल इस देश में लगे, और ऐसा जाल लगे कि आगे आने वाले 10, 20, 25 साल के लिए जिस क्षेत्र को जितनी बिजली चाहिए हम ट्रांसमिट कर पाए। और इंडिया 9 बजे में चलते चलते ऐसी खबर जिसे देखकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। ये दृश्य जो अब दिखा रहे हैं, देखकर चौंकेगा मत, क्योंकि आप सपना नहीं देख रहे, ये हकीकत है। यकीन करना मुश्किल होगा, लेकिन देखिए किस तरह नोटों की बारिश हो रही है, भजन गायकी चल रही है, इसे दायरा कहा जाता है। और ये तस्वीरें गुजरात के जामनगर की आप देख रहे हैं, जहां जाने माने भजन गायक कीर्तिदान गढ़वी ने जो वो भजन गा रहे थे, तो 4.5 करोड़ रुपए इस तरह उनके ऊपर बरसाए गए। ये भजन कार्यक्रम 29 मई को हुआ था। नोटों की बारिश थम नहीं रही थी, और इसी तरह कीर्तिदान गढ़वी और कुछ और इसी तरह के कलाकार सामाजिक कार्यों के लिए पैसे इकट्ठे करते रहे हैं, चाहे वो गायों को चारा देने के लिए हो, चाहे वो शिक्षा के लिए हो।